अभी आपके साथ हम एक सिंपल हाउस डिजाइन 3 बेडरूम के साथ शेयर करेंगे। तो 3 बेडरूम का जो प्लान है, इसमें हम 3D प्लान किया है। 3D प्लान में आपको थोड़ा सा डिटेल्स जो मिल जाएगा, इसमें 28x28 का हाउस डिजाइन है। अगर आपके पास इस टाइप का घर बनाने का एरिया है तो आप इस टाइप का डिजाइन और इस घर बनाने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 फीट हाइट रखेंगे, क्योंकि देखिए हमने जो यहाँ पर प्लान ड्रॉ किया है सिर्फ एक आइडिया आपके साथ हम शेयर किया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऐसे ही डिजाइन बनाना पड़ेगा। आप सोच समझ के इस डिजाइन को देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है, हाँ ये प्लान डिजाइन सही है, आपके लिए कंफर्टेबल है, तो आपका जमीन के लिए एरिया जहाँ पर रहेगा उसके लिए कंफर्टेबल है, तो आप इस डिजाइन को देख के घर बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट किया है इस डिजाइन। तो इस डिजाइन के अंदर हमें 3 बेडरूम देखने को मिल जाएगा, एक अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमने डिजाइन बनाया है, जो एक डिजाइन बनने के बाद आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाए। एक किचन, एक ड्राइंग एरिया ज्यादा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बेडरूम का ऑप्शन किया है। एक बेडरूम आप ऑफ कर देंगे तो उसको आप ड्राइंग या स्टडी रूम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट रहेगा, यहाँ पर किचन का एरिया। तो इसमें जो स्टेयर है, हम यहाँ पर ऐसे स्टेयर यहाँ पर क्रिएट किया। फाइनल फर्नीचर और उसके साथ कुछ डिटेल्स ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हम आपके साथ बाकी जो इसका देखिए फिनिशिंग पार्ट है 3D का, तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर एक कार रखने का एक सिंपल सा जगह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कार को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इस जमीन के ऊपर, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। तो इसको हमें इतना तक लाना है, तो कार का जो पोजीशन है उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। इस टाइप का जगह पर आप कार को ऐसे घुमा फिरा के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रखेंगे तो ओपन रखेंगे, तो आपके पास अगर जगह रहेगा थोड़ा सा पार्किंग को आप ओपन भी कर सकते हैं, या अटैच जो है इसका साइड में आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो उसके बाद हम घर के अंदर जाने के बाद इधर देखिए, आने के बाद यहाँ पर एक सोफा सेट, ओके। उसके बाद एक किचन एरिया, ओके। इधर से एक गली रहेगा, पैसेज, इधर से एक पैसेज रहेगा। तो इस पैसेज से आप स्टेयर के इधर जा सकते हैं, स्टेयर के नीचे से आप घर के अंदर जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक टॉयलेट रूम के साथ अटैच और एक बाथ एंड लैट्रिन कॉमन, जो इस ये जो दो रूम है इसको कवर करेगा, ठीक है। आप कवर कर सकते हैं इस दो रूम के, रूम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉयलेट और बाथ को, और एक जो है घर के साथ अटैच रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ऐसे किया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे रखेंगे। आप एक चाहिए तो एक साथ करके एक टॉयलेट एंड बाथ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ओपन स्पेस रखा है स्टेयर के फ्रंट में, आप यहाँ पर थोड़ा सा सामान वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। 3 बेडरूम के साथ 28x28 फीट का हाउस डिजाइन। तो उसके साथ हमने जो डिटेल्स किया है, प्लानिंग 3D दिखा है, उसके बाद हम 2D डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेन ड्राइंग जो पार्ट है 28x28 का हाउस डिजाइन है, तो यही हमने आपके साथ 3D के साथ यहाँ पर दिखा के आपको यहाँ पर शो किया है। इस टाइप का डिजाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बेडरूम है, नेक्स्ट यहाँ पर और एक बेडरूम जो रहेगा थर्ड बेडरूम। चलिए 11 फीट बाई 12 फीट 2 इंच और 10 फीट 2 इंच बाई 11 फीट, 11 फीट 4 बाई 10 फीट 2 इंच, ये रहा 3 बेडरूम। उसके साथ देखिए अटैच जो टॉयलेट है यहाँ पर 4 फीट बाई 4 फीट, और जो कॉमन है 4 फीट बाई 6 फीट 7 इंच। यहाँ पर किचन 5 फीट 9 बाई 8 फीट का किचन, ओपन टाइप का किचन है। आप चाहे तो यहाँ पर एक डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 फीट 4 और यहाँ पर 10 फीट 2, एक छोटा सा सीट आउट एरिया।
तो यहाँ पर हमने कोई डाइनिंग एरिया नहीं रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। आप चाहे तो इस रूम को आउट करके यहाँ पर अब एक ड्राइंग रूम भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग सर यहाँ पर जो स्टेयर एरिया है 3 फीट 5 इंच और यहाँ पर 6 फीट, उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 फीट 6 इंच। तो ऐसे जो डिजाइन है इसमें, यहाँ पर लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया हमने 8 फीट 3 बाई 6 फीट का एक ओपन लॉबी एरिया रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जो मेन पार्ट है, यहाँ पर देखिए 4 फीट का गली है, इधर भी सेम ही रहेगा 4 फीट पैसेज। तो इस टाइप का डिजाइन करने के बाद हम यहाँ पर कुछ कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का, क्योंकि यहाँ पर कॉलम अगर नहीं रखा है तो आप ब्रिक से भी घर बना सकते हैं। आपको अगर ब्रिक का बनाने का ऑप्शन है तो आप ब्रिक से बनाएं, कॉलम चाहिए तो कॉलम आप ऑप्शनल यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। हम जैसे यहाँ पर कॉलम यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी, आप इस टाइप का कॉलम यहाँ पर डिजाइन करके ऐड कर सकते हैं बिल्डिंग का अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आपका अगर थोड़ा सा नॉलेज है इस टाइप का कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, तो आप इसको चेंज करके आपके हिसाब से कॉलम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आपका नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई ऐसे बात नहीं है आपका ऐसे ही कॉलम रखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपका कितना बजट है, क्या आप करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे करके हमने डिजाइन बनाने के बाद बाकी जो 3D है इस टाइप का डिजाइन आपको मिल जाएगा। तो इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है, चलिए उसके बारे में बात करें। तो 784 स्क्वायर फीट का हाउस डिजाइन है, 784 स्क्वायर फीट हाउस डिजाइन 28 बाई 28। तो ये जो डिजाइन है इसको हम अगर घर के, अगर हम घर बनाएंगे इस डिजाइन को देख के, तो हमारा कंस्ट्रक्शन या ऑल इंक्लूडिंग जो वर्क है, पेंटिंग इसका, जो कंस्ट्रक्शन वर्क, मैशन कॉस्ट इसका, डोर विंडो इंक्लूडिंग कितना खर्चा आएगा, तो हम यहाँ पर 1800 इंटू करेंगे इसके साथ 14,11,200 रुपीज, 15 लाख तक आपको खर्चा आ जाएगा। यहाँ पर टाइल्स मार्बल जो भी चाहिए आपको सब कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा खर्चा होगा तो वो डिपेंड करेगा आपका एरिया के ऊपर, आपका मेटेरियल्स का कितना अमाउंट आएगा, कितना खर्चा आएगा, कितना इसका प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है। तो प्लान डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।